ए एंड बी आर टू इवेंट, पी ए बार दिया है आपको, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का बार, यानी पी ए यूनियन बी कितना बन जाएगा 5/6, और पी ए कितना बन जाएगा 3/4, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दिया है 1/4। पी भी निकाल लीजिए यहां से, देखो कैसे 5/6 इक्वल टू 3/4 प्लस पी बी को अल्फा बोल देते हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, तो ये बन गया 2/4, 2/4 यानी उधर गया हाफ 3/6, तो 2/6 आ गया अल्फा यानी 1/3, ये पी बी आ गया। अब आपको क्या पूछा है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, इंटरसेक्शन जीरो नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे, इक्वली लाइकली दोनों का प्रोबेबिलिटी भी इक्वल नहीं है तो इक्वली लाइकली भी नहीं होंगे, और इंडिपेंडेंट के लिए चेक कर लो ए इंटरसेक्शन बी आपका था 1/4, और पी ए इंटू पी बी चेक कर लो, पी ए कितना आ रहा है 3/4 इंटू पी बी 1/3, ये 1/4 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, तो इंडिपेंडेंट है लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है, तो ऑप्शन बी।